नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। जैसा कि हम सब ये जानते ही हैं कि हाल ही में ही भारत में यास तूफान ने दस्तक दी, जिससे काफी तबाही हुई, कई जाने गई, कई लोग बेघर हुए, बहुत सी जान हानि व माल हानि हुई। परंतु इसी बीच उड़ीसा के एक क्षेत्र में अविश्वसनीय घटना हुई थी, जिसे जानकर आप सब हैरानी हो जाएंगे। महिपाल नाम का एक व्यक्ति था। जैसे ही उसे तूफान की खबर मिली, वे अपने दफ्तर से घर की ओर दौड़े। वह अपनी कार में जा रहे थे। चारों ओर बहुत तेज हवा चल रही थी, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जगह जगह पर पेड़ और बिजली के खंभे तारों सहित धराशाही हो गए थे। चारों ओर जल भरा हुआ था, सड़कें धस गई थी। महिपाल जिस रास्ते से होकर जाते थे वह सड़क टूट चुकी थी, मगर उन्होंने जाने के लिए दूसरा रास्ता लिया। उस मार्ग पर अभी तक कोई भी हानि नहीं हुई थी। महिपाल तेज गति से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी मार्ग में एक बालक गाड़ी के आगे से दौड़ा और महिपाल ने गाड़ी के साथ बैक लगाकर गाड़ी को रोका। तभी गाड़ी पर सड़क किनारे लगा विशाल पेड़ गिर गया। महिपाल को काफी चोट आई, निरंतर गाड़ी से निकलने का प्रयास कर रहा था, परंतु छोटा अधिक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। महिपाल के सिर से खून आने लगा। महिपाल ने महादेव को याद कर प्राण रक्षा की गुहार लगाई। तब वहां एक बैल के साथ एक व्यक्ति हाथ में बड़ी सी लाठी लेकर श्वेत वस्त्र लपेट कर आ गया। व्यक्ति ने एक ओर से पेड़ को अपने हाथ से उठाया, बैल ने पीछे से अपने सिंह से साथ कार को धक्का दिया और कार को पेड़ के नीचे से निकाल लिया गया। महिपाल को गाड़ी से निकालकर उस व्यक्ति ने पानी पिलाया, वह अपने पास एक कपड़ा फाड़कर उसके सर पर बांध दिया। महिपाल कुछ पूछता तो उससे पहले ही व्यक्ति उस बैल के साथ वहां से गायब हो गए। महिपाल को यह ज्ञात हुआ कि व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे भगवान शिव थे। इस प्रकार भगवान शिव स्वयं ने अपने भक्त की प्राण रक्षा की।